नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लो और घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि चैनल के सब वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले आपको। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, मगर अभी खुशखबरी ये है कि जो विजिट वीज़ा थे वो शुरू हो गए हैं, पहले से ही शुरू हो गए थे, मगर अभी जो है कुछ लिमिटेड फ्लाइट्स भी चल रही है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि सर क्या फ़्लाइट्स के बारे में क्या न्यूज़ है या विजिट वीज़ा के बारे में क्या न्यूज़ है, तो मुझे आज लगा कि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ लिमिटेड फ्लाइट जो है ना वो अभी चल रही है दिल्ली मुंबई से, छोटी छोटी सिटीज से तो नहीं चल रही है, मगर जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ से अभी जो है कुछ लिमिटेड अमाउंट में फ्लाइट जो है वो दुबई आ रही है। ठीक है, तो अभी जो है आज के वीडियो में मैं आपको ये सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आज जो अभी COVID-19 के ड्यूरिंग में जो भी विजिट वीज़ा अप्लाई होंगे या विजिट वीज़ा का क्या प्रोसेस है, अगर विजिट वीज़ा पे आपको यहाँ पे आना है तो काफ़ी लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग जाए, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, कहाँ से निकालना होता है, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। तो आज मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है दोस्तों, बीच बीच में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन छोड़ के अगर और कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं बताना चाहता हूँ, विजिट वीज़ा जो है दुबई विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए चार्जेस जो है वो पहले जितने ही है, जो जितने थे उतने ही है, उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है। दुबई विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको पासपोर्ट, जो क्लियर स्कैन कॉपीज पासपोर्ट चाहिए, उसके साथ वाइट बैकग्राउंड का फोटो चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें चाहिए, दो चीज़ों के साथ जो है आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अब बस नई बात ये है दोस्तों कि जो अभी विजिट वीज़ा पर यहाँ पे लोग आएंगे उनको हेल्थ इंश्योरेंस की आवश्यकता होगी, विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस वो लोग यूएई में एंटर नहीं कर सकते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस जो भी होगा उसमें कोविड जो 19 वायरस है उस रिलेटेड वो कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, इन मतलब इनकेस आपको यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो जाता है आपको कोविड का, तो आपका वो जो ट्रीटमेंट होगा वो उसके अंडर कवर होना चाहिए। मगर मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी को बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारी इंडियन कंपनीज के ऊपर अभी एडवर्टाइजिंग कर रही है कि हम लोग देंगे। मैं आपको सभी को ये बताना चाहता हूँ, जो भी आप COVID-19 का जो हेल्थ इंश्योरेंस लोगे वो आप दुबई से ही लेने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर जो है कॉल करके पूछ सकते हैं। COVID-19 का जो हेल्थ इंश्योरेंस जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो दुबई का होने की क्या ज़रूरत है, उसके पीछे ये रीज़न है, आपका अगर इंडिया में कोई कंपनी है तो वो यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम करने में फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको वो पैसे मिलने में फिर प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा हो सकता है बाद में वो कंपनी आपको डिनाई करे कि आप तो इंडिया में हो ही नहीं, आप कहीं और कंट्री में हो, तो इस ये सारी चीज़ें आपके साथ फेस करने के हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ यूएई की अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है दुबई की तो उसका ही ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वो कवर हो जाता है, जो भी है आपके लिए इजी रहेगा इन केस। ठीक है, अब आपका समझ लीजिए विजिट वीज़ा जो है आपके पास आ गया है, मिल गया है, उसके बाद क्या प्रोसेस होगी, कैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं, तो उसके लिए कुछ अप्रूव्ड जो है इंडिया में क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स अप्रूव किए हैं यूए गवर्नमेंट ने, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी, वो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको नहीं मिल रही है तो ये नंबर यहाँ पे आपको फ्लैश जो हो रहा है उस नंबर पर आप कॉल कीजिए, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से आपने दुबई आने से पहले 96 आवर्स पहले का आपके पास जो है कोविड COVID-19 का जो है पॉजिटिव निगेटिव रिपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव है तो आप यूएई ट्रैवल नहीं कर सकते हो, अगर आप निगेटिव है तो ही आप यूएई ट्रैवल कर सकते हो। ये जो रिपोर्ट है वो वही अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट
उसी क्लिनिक या उसी हॉस्पिटल से होना चाहिए जो लिस्ट में है, ठीक है। वो लिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, चाहे तो वो लिस्ट जो है मैं फेसबुक पर भी पब्लिश कर दूंगा, वहां पे भी उसकी लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस मैं कमेंट बॉक्स में भी उसकी लिंक डाल देता हूँ, वहां पे भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो कोविड रिपोर्ट है वो 96 आवर्स पहले का ही होना चाहिए। लाइक आपका कल का रिपोर्ट है आप आज ट्रैवल करो, आपका परसों का रिपोर्ट है आप आज ट्रैवल करो, इस तरीके से। आपके पास 10 दिन पुराना है, 20 दिन पुराना है, 15 दिन पुराना है, 7-8 दिन पुराना है, वो नहीं चलेगा, आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। आपको मैक्सिमम 96 आवर्स पहले का ही रिपोर्ट चाहिए, तभी जो है आप यूएई ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा जब आप यूएई में आओगे, दुबई एयरपोर्ट पे आओगे, तो यहाँ पे भी आपका और एक बार रैपिड कोविड का टेस्ट होगा, रैपिड टेस्ट होगा, मतलब उसका रिजल्ट इंस्टेंटली आपको पता चलेगा। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे आपका वहां पे टेस्ट होगा, अगर आप उसमें निगेटिव है मतलब आपको कुछ नहीं है, आप बाहर जाने के लिए फ्री हो जाओगे। आप जाओ बाहर, आप जिस काम के लिए भी यहाँ पे आए हो वो काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका इन केस अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो आपको जो है मतलब नहीं होगा ना, वो अगर आप इंडिया से ही करके आ रहे हो वो पहले से ही निगेटिव होगा, मगर यहाँ पे आके अगर पॉजिटिव आता है तो आपको यहाँ पे सेल्फ क्वारंटाइन होना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ क्वारंटाइन मतलब आप खुद एक जगह चुनो, हाँ आप किसी होटल को चुन सकते हो, कहीं पे भी जाओ वहाँ पे आपको कुछ टाइम क्वारंटाइन होना पड़ेगा, आपकी ट्रीटमेंट होगी वहाँ से, उसके बाद आप बाहर जाने के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो इस रिलेटेड आज मैंने कोशिश की है कम से कम टाइम में आपको सारी बातें, सारी जो प्रोसेस हो एक्सप्लेन करने की। काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन और था जो अभी मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर कितना पुराना पासपोर्ट होना चाहिए अगर हमें यूएई को आना है, मतलब दुबई को अगर हमें आना है तो कितना पुराना पासपोर्ट हमारा होना चाहिए। तो ऐसी कुछ बात नहीं है दोस्तों, अगर आपको कल भी पासपोर्ट मिला है तो भी आपका वीज़ा जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो, आपका वीज़ा मिलेगा। काफ़ी सारे फ्रॉड एजेंट्स जो होते हैं वो इसी बात का बहाना बनाते हैं कि आपका पासपोर्ट नया है इसलिए आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया, मगर ऐसी कुछ नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं होती दोस्तों। वो लोग आपका पैसा खा जाते हैं, वो लोग आपका वीज़ा अप्लाई ही नहीं करते। तो ये बात जो है दिमाग में डाल लो कि आपका पासपोर्ट जो है वो बहुत पुराना होना चाहिए तभी आपका वीज़ा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कल अगर आपका पासपोर्ट मिल गया तो आज भी आप दुबई आने के लिए ट्रैवल कर सकते हो। इस रिलेटेड कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे हर किसी के क्वेश्चंस इसके ऊपर अगर है तो उनको आंसर देने के, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसके ऊपर अगर कोई नया अपडेट आता है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलो ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम और मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।